कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग ग्रेटफुल टू समवन, बीइंग थैंकफुल टू समवन, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास नहीं है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस नहीं है, जिसके पास जो भी है वो ले लिया है। यदि आप कृतज्ञ है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। ये हमने देखा कि आपके पास में ग्रेटफुलनेस है तो वट एवर यू हैव यू विल गेट इट मोर एंड मोर, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन वट एवर यू हैव इट विल बी टेकन आउट, टेकन अवे फ्रॉम यू। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। सी, पीपल आर हंग्री ऑफ गेटिंग नॉलेज, नो डाउट, नो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग नॉलेज, बट प्रैक्टिस इज द थिंग, यू नो, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज इज द की, की ऑफ दैट किंगडम, की ऑफ दैट ट्रेजर। सो यू हैव टू अप्लाई वट एवर यू आर गेटिंग, वट एवर यू आर लर्निंग, यू हैव टू अप्लाई इट। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगी। सो वट एवर यू गिव यू विल गेट इट बैक एंड इन इक्वल प्रोपोर्शन। एंड द मीनिंग इज लाइक इफ यू आर ग्रेटफुल एंड इमोशन ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, यू नो, भावना है तो डेफिनेटली आपकी भावनाओं के समान ही वट एवर ग्रेटफुलनेस यू हैव यू विल गेट इट मोर एंड मोर। यू शुड बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस व्यक्त करते, एक्सप्रेस करते हैं तो यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट दैट, यू डोंट हैव टू जस्ट अटर वर्ड्स, नॉट जस्ट पैरटिंग, बट यू हैव टू लिव लाइक दैट, यू हैव टू लिव लाइफ लाइक दैट, राइट? सो एंड पर्सन हु इज लाइक टू हुम यू आर ग्रेटफुल, दैट पर्सन सेंसेस यू, नो दैट यू आर जस्ट पैरटिंग, जस्ट लिप मूवमेंट्स आर देयर। और रियली समझो, आपको आपने मम्मी ने चाय दे दिया तो हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा आप एक्चुअली दिल से वो बोल रहे हैं, दिल से। वो सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए नहीं, दिल से बोल रहा है थैंक यू, एक्चुअली फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन ने बोला है लाइक ही स्टार्टेड शी स्टार्टेड काउंटिंग हर ब्लेसिंग्स एंड द होल ऑफ हर लाइफ चेंज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म when she started counting blessings. So you have to daily count your blessings and not your troubles. You have to count your blessings and not your troubles. शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो हम आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। See, whenever you are complaining about something, about some person, see, words are very powerful. When you are complaining about somebody, when you are complaining about something, what is happening is you are getting harm on yourself. You are putting harm on yourself. You are just damaging yourself, not the other person, but you. So don't complain. Never, never, ever complain about anything. Don't complain. Don't complain. Find some solution if you can find. And if you cannot find any solution, just be grateful to whatever is there. Whatever is there, just be grateful to about that. And yesterday we saw swasthya is sabse badi sampatti hai, health is wealth. And if you are healthy, then only you can study. If you are healthy, then only you can move out. If you are healthy, then only you can attend this session. So if you are healthy, na, everything is possible. अभी हम चालू करेंगे आज का सेशन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सी हाउ टू कम आउट ऑफ निगेटिविटी मैजिकली, हाउ टू कम आउट ऑफ निगेटिविटी मैजिकली। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। सी द पर्सन हु इज ग्रेटफुल, ही इज ग्रेटफुल इन एनी सिचुएशन, इन एनी सरकमस्टेंसेस, वॉट एवर इज द सरकमस्टेंस, यू नो, परिस्थिति आपके ऊपर कुछ भी फेंकेगी, कुछ भी होगा। आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको पानी नहीं है,
आप सुबह उठे हो तो गैस खत्म हो गए हैं, आप सुबह उठे हो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वॉट एवर इज देयर, बट स्टिल यू आर ग्रेटफुल टू वॉट एवर यू हैव, एंड इफ यू आर ग्रेटफुल टू वॉट एवर यू हैव यू विल गेट ऑटोमेटिकली वॉट एवर यू वॉन्ट. जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकते. इफ यू आर कंप्लेनिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट इट डज, इफ यू आर कंप्लेनिंग मोर एंड मोर कंप्लेंट्स विल कम टू, इफ यू आर कंप्लेनिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स आर कमिंग टू यू, इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट सम प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम विल इंक्रीज, वॉट एवर यू फोकस ऑन इट विल बी मोर एंड मोर एक्सपांडेड. सो वॉट डोंट कंप्लेन, never never ever complain about anything because words are very powerful. आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है. If you are talking negatively, thinking negatively, talking negatively, your words are negative, then good things won't come to your life. आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ यह है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए. इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इफ एनीथिंग इज रॉन्गली हैपनिंग, इफ एनीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यूर विश, थिंक दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल टू इट, यू आर नॉट ग्रेटफुल. वॉट एवर यू हैव यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट. जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है. इफ यू आर ग्रेटफुल यू कैनॉट बी नेगेटिव. It is impossible to be negative. You will not be negative. Jab, like, you will not criticize anyone. If aap alochana karna, dosh matna, asambhav hota, you will not be criticizing anyone, you will not be finding fault with anyone when you are grateful. Jab aap kritagya hote hai, to dukhi mehsus karna, ya koi bhi nakaratmak bhavna rakhna bhi asambhav hota hai. When you are grateful, then you cannot be negative, you cannot be nervous, you cannot be depressed, you cannot be sad. It is impossible. Right? सबसे अच्छी खबर यह है, यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, suppose there is a negative situation in your life right now, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा. If anything which is happening in your life negatively, but whatever you have, if you are grateful about it, immediately that situation will change. Nakaratmak paristhitiyan dhuye ke sath gayab ho jayengi jadoo ki tarah. You know, it will go off. The negative things, negative situations will go off. Pehli cheez, aapko nakaratmak sthiti mein bhi kritagya hone ki cheeze talashni hogi, chahe isme aapko kitni hi mushkile aaye. See, whatever situation is there, whatever situation is there, you have to be very grateful and thankful to that. You have to find out. Hai na? Like, abhi main aapko batata hu ki ek aadmi ko pair nahi tha, uska ek pair kaat diya gaya tha. Accident hua, pair kaat diya. To usko artificial limb laga di, artificial leg laga di. But he is doing everything as if he has got the leg, the normal leg. कुछ भी, सब कार चलाता है, वो सब कुछ करता है. तो मैंने उसको पूछा कि भाई आपको बुरा लगता नहीं है कि भाई आपके पास में एक पैर नहीं है? तो मुझे वो बोलने लगा कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास में एक तो पैर है. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में दोनों भी पैर नहीं होते. मेरे पास में दो हाथ है, मेरे पास में एक पैर है और मैं सब कुछ चीजें कर सकता हूँ विद दिस आर्टिफिशियल लिम. वो रोते नहीं बैठा है कि मेरे पास में पैर नहीं है, बोलता मेरे पास में एक पैर है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ. तो आपको ये देखना है कि जो भी परिस्थिति है उसमें हमको क्या अच्छा दिखता है, वो हमने देखने का है. क्या अच्छा दिखता है? कोई डायबिटीज वाला एक पेशेंट है, मैंने बोला आपका डायबिटीज इतना ज्यादा है, आपको बुरा लगता नहीं है? बोले मुझे तो आई एम थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड एंड द साइंटिस्ट नो दे हैव रिसर्च एंड फाउंड आउट इंसुलिन. And because of insulin, now I am well from last 30 years. My pichle 30 saal, from last 30 years, I am taking insulin and anti-diabetic and I am well off. So, mujhe wo bahut achha lagta hai ki main kuch to kar raha hu. Aur main wo scientist ka dhanyawad deta hu ki jinhone insulin aur baki anti-diabetic dawa nikali.
मगर हम क्या करते हैं कि डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं चलता, मुझे ये नहीं होता, रोते रहते लोग। आप जितना रोएंगे उतना ज्यादा ज्यादा हो, राइट? तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब, वॉट एवर इज द सिचुएशन, सिचुएशन में भी बैड, सिचुएशन में भी वर्स, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को ज्ञान से बदल दे। यू कैन फाइंड एनीथिंग विच इज पॉजिटिव देयर, ठीक है ना। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था आइए उठे और कृतज्ञ हो, जाग जाओ, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा है तो भी हम कम से कम कुछ तो सीखा, समथिंग यू हैव लर्न्ड, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा, इफ यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, यू आर नॉट इल एटलीस्ट। अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो भी कम से कम मरे तो नहीं है, इवन इफ यू आर इल, ओके, स्टिल यू आर लिविंग, नो प्रॉब्लम। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ होते हैं, सो कम ऑन, बी ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल टू वॉट एवर इज देयर। तो क्या आप, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक उदाहरण देता हूं कि एक पापा एक डैडी के बारे में, एक लड़का जो है उसकी खटपट चल रही है, एक बेटे की अपने पिता के बारे में खटपट चल रही है, और बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो वो क्या करता है, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे तो तभी भी वो कृतज्ञ है, वो बेटा अपने डैडी के लिए तभी वो कृतज्ञ है। वो बोलता है कि मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे है, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई, है ना। माय डैडी इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माय एजुकेशन, सो ही इज वेरी थैंकफुल टू हिज फादर, इज अगेन थैंकफुल टू हिज फादर, बिकॉज मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है ना। तो वो पिताजी के लिए कृतज्ञ है, वो बोलता है कि मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए, हर शनिवार को, मतलब ये लड़का जो बोलता है कि स्टिल आई एम थैंकफुल टू माय फादर बिकॉज ही वाज टेकिंग मी टू प्ले बास्केटबॉल, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने की पहले हुआ करते थे, इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट नाउडेज, ही वॉज अर्लियर वेरी स्ट्रिक्ट, नाउडेज इज नॉट स्ट्रिक्ट, आई एम थैंकफुल टू हिम, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज वेरी केयरफुल टू मी एंड ही टेक्स माय केयर, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो ना देखो अलग 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 चीजें वो अपने डैडी के बारे में देखता है कि मैं कौन सी चीज के बारे में पिताजी के तरफ मैं ग्रेटफुल हूं। आप भी आपके पिताजी के बारे में ग्रेटफुल होना है, मम्मी के बारे में ग्रेटफुल होना है, और उनको थैंक यू बोलना है जो भी चीज आपको आज उनमें दिखती है। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नो, आई शुड बी कंपैशनेट टू एवरीवन एंड आई लर्न दिस फ्रॉम माय फादर। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूं जो उन्हें मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। आई एम थैंकफुल टू माय फादर because when he appreciates me, when he gives me rewards, it is very important. I am very thankful to my father. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसे कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं। There are so many children who don't have even father. So I am thankful to my father who is there. क्योंकि उनके पास पिता भी नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा,
जिससे वह चीज भी बदल जाए। तो आपको कृतज्ञ होना है, और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि अपनी जिन 10 चीजों के लिए आप कृतज्ञ है, यू आर ग्रेटफुल फॉर 10 थिंग्स, एटलीस्ट 10 थिंग्स, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाए, ऐसा कि आई एम थैंकफुल टू एंड व्हाई यू आर थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू माय डैडी बिकॉज, आई एम थैंकफुल टू माय मदर बिकॉज, और फिर डैडी के बारे में आप थैंकफुल है या मम्मी के बारे में आप थैंकफुल है, टू राइट डाउन एटलीस्ट 10 थिंग्स अबाउट देम, 10 थिंग्स फॉर विच यू आर थैंकफुल और ग्रेटफुल टू देम। तो एक बार आप 10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ है, तो नकारात्मक को बाहर रखने की जादुई तरीके का अभ्यास ये लिखकर पूरा करें, और बाद में लिखे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो नेक्स्ट विल गो फॉर जादुई तत्व, है ना, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है ना, सेलिब्रेट्स, जो ग्रेटफुल हार्ट रहता है ना वो ऑलवेज सेलिब्रेट करता है। तो जादुई तत्व जो है ना उसके बारे में हम देखेंगे, जादुई तत्व मतलब वट एवर वी हैव मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियल अपने पास में जो है वो लाइक फूड वाटर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हमको तो पहले से भोजन के लिए है ना, भोजन के लिए हमारे दिमाग में पहले से ऐसा है कि भोजन के लिए जैसा अभी मराठी साइडर जो है ना सर, उनको पता होगा कि हम जब भोजन करने के बैठे, हमारे बचपन से हमको सिखाया गया है कि पहले प्रार्थना करो, भगवान को शुक्रिया अदा करो, और वो भोजन जो हम लेने वाले उसके लिए भी धन्यवाद दो, बदन कवल घेता नाम घया श्री हरिचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकार, है ना। पहले प्रार्थना बोलते थे हम, और प्रार्थना बोल के फिर हम खाना खाना चालू करो। देखो आप ये देखो कि आपके पास में समझो भोजन नहीं है, खाना ही नहीं रहता था, या आपको भूख लगी हुई है, और जब आपको भूख लगी हुई है तो कैसा लगता है ना, और भूख लगी है तो कुछ सुस्ता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि अभी क्या करूं क्या नहीं, कभी कभी हाथ कांपने लगते हैं, जिसको है ना हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल कम हो जाती है, तो कभी कभी भूख से फिर पेट में मरोड़ आ जाता है, पेट में आवाजें आने चालू हो जाते हैं, हाथ कांपना चालू हो जाते हैं, पसीना आना चालू हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि हमको भूख लगी है। तो कितना सारा महत्व है खाने का, अनाज का, हमको वो जो खाना हमको मिलता है उसके लिए खाना खाने के शुरू में उसको धन्यवाद हमें देना है, और सिर्फ खाने को नहीं देना है, खाना पकाने वाले को, आपकी मदर होंगी, आपके ग्रैंड मदर होंगी, आपके घर में कोई भी कुक आती होंगी, जो भी आपका खाना पकाते हैं उनको आपको थैंक यू बोलने का है। खाना जो उगाते हैं, कौन उगाता है खाना, किसान उगाता है खाना, तो किसान को आपको थैंक यू बोलने का है। अच्छा, किसान ने अनाज उगाया, वो अनाज आपके पास में कैसा, मंडी में आ गया, मार्केट में आ गया, वहां से खरीद लिया, फिर वहां से खरीद के फिर पीसा उसको, गेहूं समझो आटा है, आटा तैयार किया, उसकी रोटी बनाई, तो उसमें जो 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 लोग उसमें शामिल है वो सब करने में, तो उनके लिए आपने थैंक यू बोलने का है। बिकॉज आपके पास में यदि फूड नहीं है, आपके पास में यदि खाना नहीं है, तो आपका जीवन जो है वो रहेगा ही नहीं, आप जीवित ही नहीं रहे, कितने दिन तक आप जीवित रहेंगे खाना नहीं। तो खाना हमको एनर्जी देता है, खाना हमको बुद्धि देता है, खाना हमें हमारे लिए सब कुछ अच्छा लाता है, तो हमको खाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद देने का है, ठीक है ना। तो अभी देखो खाना जो है, खाने के साथ साथ पानी देखो कितना महत्व है, बिना पानी कोई भोजन वनस्पति पशु जीवित रहता है, पानी के बिना नहीं। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करना है, बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करना है, सब जगह हम स्लाइड सब जगह पानी का इस्तेमाल होता है, कहां कहां पानी नहीं वापरे जाते, जहां वहां पानी। तो नेक्स्ट, तो यदि आप पानी के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में, है ना, तो भोजन पकाने के समय, उगाने के समय, बगीचे की देखभाल करने वक्त, बाथरूम में, देखो ना आप कल्पना करो कि सुबह उठे और पानी नहीं है बेसिन में, नल को पानी नहीं है, पानी नहीं है तो आप मुंह कैसा ब्रश, मतलब ब्रश कैसा करेंगे, मुंह कैसा धोएंगे, आप स्नान कहां से करेंगे, आप पानी नहीं पियेंगे तो आप जीवित कैसा रहेंगे। तो हमको पानी के लिए भी बहुत 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 हमको ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि हमारे वाहन में, हमारे अस्पतालों में, ईंधन सब जगह है ना, सड़कें बनाने में, कपड़े बनाने में, हर कोई चीज हम बनाते हैं, प्लास्टिक की चीज बनाते हैं, कांच बनाते हैं, धातु बनाते हैं, जीवन बचाने वाली दवाई बनाते हैं, मकान तैयार करते हैं, इमारत बनाते हैं, जहां वहां पानी का इस्तेमाल होता है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे बॉडी में
हमारे बॉडी में 70% पानी है, 70% पानी है। हमारे जो फेफड़े है, अभी फेफड़ों का महत्व आपको समझ में आएगा कोरोना के, इसमें फेफड़े लोगों के खराब हो गए, फेफड़ों में 90% पानी। तो जहां वहां पानी 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 है, और पानी के लिए हम कभी, हमको मालूम ही नहीं है पानी इतना महत्व का है, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो पानी के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। और किसी ने ये कहा है कि यदि ये पृथ्वी के ऊपर कोई जादू है तो वो पानी है, इट्स अ मैजिक मिरेकल पानी है। तो फिर हमको भोजन और पेय पदार्थों में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका है सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। देखो आप खाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, खाते हैं, बातें करते करते खाते हैं। हमको उसका स्वाद लेना है। जब आप एक निवाला लेते हैं मुंह में, तो उसका स्वाद लेना है कि अरे कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है। जब आप भोजन करते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, वाकई उसका स्वाद लेना है। और तो आप ऐसा करते दरअसल उसकी जो कद्र है वो कर रहे हैं और उसके प्रति आप कृतज्ञ हो रहे हैं। तो आपको आज से क्या करना है, जब खाना आप खाते हैं तो बाकी कुछ भी चीज नहीं करना है, ना गप्पे मारने का है, ना टीवी देखने का है, ना मोबाइल देखने का है, ना कुछ करने का है। खाना खाने के समय फोकस रहना है और खाने के ऊपर केंद्रित करना है अपना लक्ष्य, पूरा फोकस और खाने के ऊपर है, ठीक है ना। तो और पीने के समय भी वही है, प्रत्येक के तौर पर, मतलब प्रयोग के तौर पर आप ऐसा करो, अगली बार आप जब खाएंगे ना या कुछ पिएंगे जो भी कुछ, तो मुंह में रखें और उसे निगलने के पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करो। आप पाएंगे कि कितना स्वादिष्ट है अपना भोजन। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। तो एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है, राइट। तो आपको आज से क्या करना है, खाने के लिए बहुत ही हमको धन्यवाद रखना है, पहनने के लिए धन्यवाद अपने अपने करने का है हर बार, और उसका 100%। और जो पानी हमारे पास में आता है कहां से आता है, पानी समझो कॉरपोरेशन हमको प्रोवाइड करती है, नल जो है वो नल है, नल हमारे तरफ जो आता है वो कॉरपोरेशन नल देती है, कॉरपोरेशन का पूरी पाइपलाइन है। और हमारे पास में बोरिंग है, समझो बोर है, बोरवेल्स है, तो जमीन में पानी है, बोर से हम पानी निकालते हैं। किसके यहाँ बोर नहीं है तो कॉरपोरेशन का पानी मिलता है, कहाँ कहाँ से दूर दूर से पानी लोगों को लाना पड़ता है, हमको तो सिटी में मालूम नहीं पड़ता है, खेड़े पाड़े में तो ऐसा है देहातों में कि दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है, उनको महत्व है एक लोटे के पानी का, उनको महत्व है। तो वो महत्व हमको बहुत ज्यादा है पानी का, खाने पीने का महत्व हमने रखना चाहिए। और वो जो हम रखते हैं तो डेफिनेटली उसका स्वाद हम लेते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे। उसके प्रति जब हम अच्छा भाव रखते हैं तो जितना अच्छा भाव रखेंगे उतना अच्छा खाना मिलेगा, पीना मिलेगा पानी, और अच्छा अच्छे से अच्छा हरदम होते रहेगा। तो अभी इसके लिए हमको हरदम जब भी आप एक निवाला लेते हैं तो उसको एंजॉय करने का है ना। हम जाएंगे अभी धन, पैसा, धन का चुंबक, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है ना। प्रॉस्पेरिटी कैन ओनली बी देयर व्हेन यू आर ग्रेटफुल, ठीक है ना। तो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी प्रॉस्परस, एंड इफ यू आर कंप्लेनिंग यू विल बी पुअरर। यह आपके पूरे जीवन का स्मरणीय नियम है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ज्यादा गरीब बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है आज से, कि जितना भी आपके पास में है, जितना भी है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होने का है, जितना भी है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं मालूम है क्या, पैसा ऐसा है कि कितना भी पैसा रहा तभी हमको वो कम ही लगता है। तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, सबको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पास में पहले जितना है उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाओ, उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाओ, जितना है उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए नहीं है, जो है उसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है।
बी ग्रेटफुल टू दैट, राइट। तो आपको क्या करना है अभी, पैसे के लिए धन्यवाद, मतलब आपके पास में जो भी किसको पेमेंट करना है, किसको पैसा देना है, कुछ भी आपको करना है, कुछ खरीदना है, तो आपको एक प्रैक्टिस आज करना है। कौन सी प्रैक्टिस करना है, कि जब भी कभी आपके पास में किसको पैसा देने का है, जब आप देते हो पैसा किसी को, पे करते हो, तो उसके ऊपर लिखना है पेड एंड थैंक यू, पेड एंड थैंक यू, है ना। तो आप जब शिकायत करेंगे तो आप गरीब रहेंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी बिल आपने अभी तक दिया हुआ है, आपने मतलब आपने नहीं दिया होगा, आपके पिताजी ने, डैडी ने, पापा ने दिया होगा, मम्मी ने दिया होगा, कोई बिल निकालो और उसको बोलो पेड, पेमेंट किया है, पेड एंड थैंक यू, ठीक है ना। तो आपको करने का है, जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, पेमेंट किया है, उसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना है। और यदि आप ग्रेटफुल होते हैं तो अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है, डेफिनेटली गेट मोर एंड मोर मनी। सो ज्यादा पैसा आपको मिलाना है तो आपने क्या करना है, जो भी आपने पेमेंट किया है उसके लिए थैंक यू पेड ऐसा लिखने का है। जब आप पेमेंट करते हो, जो पेमेंट करने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, आपने बोलना है कि यस पैसा आई विल बी पेइंग, है ना, पेमेंट मतलब पैसे के लिए धन्यवाद, उसके ऊपर क्या लिखना है, पैसे के लिए धन्यवाद, मतलब जो भी आपके पास में उसके लिए धन्यवाद। आप बोलेंगे हमारे पास में है नहीं, पैसा हो ही सकता नहीं, पैसा नहीं ऐसा हो ही सकता है, जो भी है जितना भी है उसके लिए आप यदि थैंकफुल है तो डेफिनेटली आपको अधिक धन प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास में तीसरा दिन का अभ्यास मैं आपको बताता हूं, या आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मेरी ऐसे सबसे रिक्वेस्ट है कि देयर आर 82 पीपल टोटल, तो आप क्या करो कि आपके दोस्तों को ये शेयर करो, ये लिंक शेयर करो, आपको इसमें से क्या मिल रहा है वो शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ लो। ऐसा हो सकता है कि उनको लगेगा कि नहीं अभी फोर्थ डे में हम आएंगे तो हमको समझेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कभी लोग जुड़ सकते हैं तभी आप जुड़ जाए, उनको जुड़ने के लिए बोलो, उनको लिंक भेजो। सब आपके पास में जितने भी नाम है उनके तरफ ये, वो सभी ग्रुप में सब बच्चों के नाम नंबरों में उनके तरफ ये जोड़ो, एक्सरसाइज करो, ये असाइनमेंट करो, देखो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपनी नियामतें गिने, 10 ब्लेसिंग्स यू हैव टू राइट डाउन एवरी डे, और 10 ब्लेसिंग्स और न्यू ब्लेसिंग्स लिखते जाओ, जो भी आपको ब्लेसिंग है 10 ब्लेसिंग्स लिखो, उसको पढ़ो और थैंक यू 3 बार बोलने का है, पहला। सेकंड, अपने जीवन की ऐसी समस्या है, नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते, कोई भी एनी निगेटिव सिचुएशन इफ यू हैव गॉट, कोई भी निगेटिव सिचुएशन होंगी तो उसको चुनो, ठीक है ना। और वो सिचुएशन में देखो कि आप कौन से चीज के लिए सकारात्मक बोल सकते हैं या ग्रेटफुल हो सकते हैं, उसके साथ साथ कहां आप ग्रेटफुल हो सकते हैं तो वो देखो, कोई भी एनी डैम एनी थिंग एनी वर्स सिचुएशन वट एवर एनी सिचुएशन सिलेक्ट वन एंड सी वट एवर यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट इट। सूची के अंत में लिखे आदर समाधान के लिए धन्यवाद, केवल आज के लिए देखे कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं, एक दिन आपको क्या करना है, सिर्फ आज का दिन, नो निगेटिव टॉक, कुछ भी नकारात्मक बोलने का नहीं, कैन यू डू दैट, कुछ भी निगेटिव बोलने का नहीं है, नो निगेटिव थी, कुछ भी निगेटिव आपको बोलने का नहीं है, और देखने का सिर्फ क्या हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व, आज के दिन बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं क्या, और यदि आप कोई नकारात्मक बात कहते हैं या सोचते हैं देखते हैं तो जादुई लाइफ प्लान का इस्तेमाल करें। समझो कोई नकारात्मक आप बोलते हैं तुरंत क्या बोलना है, क्या मम्मी ने मुझे खाना जल्दी नहीं दिया, लेकिन लेकिन मैं मम्मी को थैंकफुल बोलता हूं या बोलती हूं क्योंकि मुझे वो खाना दे रही है और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। मतलब जहां भी आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं उसमें तुरंत आपको ये देखना है कि उसमें सकारात्मक क्या है, ठीक है ना। आज रात सोने से पहले जादुई फत्तर एक हाथ में ले और उसमें देखो कि आज जो भी अच्छी चीज हुई है उसके लिए धन्यवाद 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 बोलना है। फिर आज खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालना है, वन मोमेंट खाने पीने जो जा रहे हैं और उसके लिए मन में थैंक यू बोलना है। भोजन या पानी पेय पदार्थ उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। समझो आपके सामने प्लेट आती है, खाना खाने की प्लेट आती है, कोई ड्रिंक्स आता है,
स्प्रे आता है तो उसको पहले जादुई धूल स्प्रिंकल इट मैजिक वर्ड्स थैंक यू वो स्प्रेड उसके ऊपर करने का है और बाद में खाने का है, और उसके लिए जो भी लोग उसके पीछे है उनको भी थैंक यू बोलने का है। आपके पास में भी बिना चुकाए बिल हो, जो भी बिन चुकाए बिल है ना, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें कि ठीक है थैंक यू वेरी मच, है ना, जो भी है उन्हें लेकर कृतज्ञता जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और सामने लिखे धन के लिए धन्यवाद। आपको पेमेंट करना है तभी भी लिखो थैंक यू वेरी मच, पेमेंट किया है तो उसके लिए भी लिखो पेड थैंक यू। ठीक है, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए है उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद। 10 बिल्स व्हिचएवर पेड अर्लियर टेक आउट दोस 10 बिल्स एंड राइट थैंक यू उसके पीछे लिखने का है। तो ये मैं आपको पोस्ट करूंगा।